हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 9 अप्रैल 2020 की से जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को और उससे रिलेटेड फैक्ट को। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन क्या हैं आज के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अभी कोविड-19 से निपटने के लिए क्या क्या है कि 5T एक प्लान लॉन्च किया है। इस 5T प्लान के अंतर्गत क्या है, तो ये 5T प्लान हमारा ये है कि अभी जो दिल्ली में जितना भी ये सब कोरोना वगैरह का हो रहा है, तो ये 5T है। इसमें पहले टी का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट मतलब दिल्ली में जितने भी कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट हैं, यानी कि जैसे दिलशाद गार्डन, निजामुद्दीन, ये सब एरिया को हाई स्पीड में टेस्टिंग यानी रैपिड टेस्ट होगा। ठीक है, दूसरे टी का मतलब होता है ट्रेसिंग। ठीक, दूसरे टी का मतलब ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या करना है कि ऐसे लोग को ट्रेस किया जाएगा जिसको कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए हैं। ठीक है, तीसरे टी का मतलब है यहाँ पे ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट से उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और चौथा टी है यहाँ पे टीम वर्क। ठीक, और पांचवें टी का मतलब है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मतलब जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनको ट्रैकिंग किया जाएगा और उनके क्या करेगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और वहाँ के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल वैज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में भारतीय सरकार ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। अभी जो इंडियन रेलवे हमारा है वो अभी एक सस्ता में वेंटिलेटर तैयार किया है, उस वेंटिलेटर का नाम क्या है ये, तो उस वेंटिलेटर का नाम है जीवन। ठीक है, तो अभी जो इंडियन रेलवे ने ये जो सबसे सस्ता वेंटिलेटर बनाया है, इसकी कीमत है 10,000 रुपये, वो भी बिना कंप्रेसर की। ठीक है, अब बात करते हैं ये इंडियन रेलवे ने बनाया तो कहाँ बनाया, तो भारतीय रेलवे के कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री। ठीक है, वहाँ पर ये बनाया गया है। अब इंडियन रेलवे है तो रेल मंत्री की बात की जाए तो रेल मंत्री हमारे कौन है, पीयूष गोयल। और एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मेहताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाला एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिससे कि भूकंप या फिर ज्वालामुखी कहीं आने वाला रहेगा तो उसका वो पहले से ही सिंबल दे देगा, चेतावनी कर देगा कि भाई भूकंप आने वाला है और भी जिसे मतलब ज्वालामुखी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्या किया है कि जितने लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है उन लोगों के लिए एक क्या क्या है कि रक्षा ऐप क्या कि वो क्वारंटीन का रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कहीं बाहर निकल रहे हैं तो अगर उनको ये रक्षा ऐप के थ्रू उनका सर्वे हो जाएगा और पता चल जाएगा कि वो लोग बाहर निकले हैं कि नहीं, एक तरह से ट्रेसिंग भी हो जाएगा और उनका पिन निगरानी भी रख देगा। तो अभी बात करते हैं जो छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल। ठीक है, क्या नाम है, भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम है अनसुईया उइके। ठीक है, अनसुईया उइके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि हाल ही में बुलेट प्रकाश का निधन हुआ, वे कौन थे। हाल ही में बुलेट प्रकाश का निधन हो गया, वो कौन थे। तो बुलेट प्रकाश कौन थे, तो बुलेट प्रकाश हमारे एक कन्नड़ फिल्मों के हास्य अभिनेता थे। ठीक है, कॉमेडियन थे ये। अब ये बात करते हैं कि यहाँ पे बुलेट इनका क्यों मतलब, तो बुलेट प्रकाश इनको क्यों कहा जाता है। तो बुलेट प्रकाश ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा बुलेट चलाते थे, इसलिए इनका नाम बुलेट प्रकाश रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए अपने नागरिकों को 2,000 रुपये देने की घोषणा की। तो अभी क्या हुआ है कि मणिपुर के मतलब मणिपुर गवर्नमेंट ने ये घोषणा किया है। तो मणिपुर के ऐसे लोग जो बाहर फंसे हैं वो अगर मणिपुर गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेंगे तो वो गवर्नमेंट उनको 2,000 रुपये देने देगी। ठीक है,
तो अभी फ़िलहाल ये को सारा जो भी है ये कोरोना को लेकर, कि अगर कोरोना की वजह से अगर मणिपुर का कोई है और वो किसी दूसरे स्टेट में फंसा है तो ये मणिपुर गवर्नमेंट उनको ये हेल्प देगी। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है और मणिपुर के सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह। ठीक है, मणिपुर के सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की। तो इसका राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अभी क्या है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत एक्सिस से मिलके, मतलब भारतीय एक्सिस से मिलके क्या किया है कि उसके साथ साझेदारी करके ये अभी जो कोविड-19 से रिलेटेड एक बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, तो अभी एयरटेल की बात कर लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इसकी ये 2017 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और इसका MD एंड CEO का नाम है अनुप्रत विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है। क्या मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान, तो इसका अभी जो शुरुआत किया है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD ने ये क्या क्या है इसकी शुरुआत की है। MHRD ने AICTC से मिलकर जितने भी छात्र छात्राओं या फिर शिक्षक हैं उनके साथ अभी जो कोरोना पे हैं उसकी बेसिक कंसेप्ट या फिर और जो चीज़ की पहले से मतलब जितनी भी जानकारियाँ कलेक्ट करके और उसको साझा करने इसके लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की है, मतलब कि घर जा जा कर FIR करने की। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी जितने भी लोग अगर कोरोना के वजह से भी देखिए कि हर जगह पूरे हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगा है, तो अब इंडिया में अगर कहीं भी लॉकडाउन कोई ब्रेक कर रहा है, स्पेशली अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अगर कोई भी लोग अगर लॉकडाउन को ब्रेक कर रहा है तो उसको हो FIR की होम डिलीवरी किया जाएगी, यानी घर पे जाकर FIR किया जाएगा उनके। ठीक है, अब ये पहला ये कौन सा गवर्नमेंट, मतलब कहाँ ये सबसे पहले किस राज्य में शुरुआत किया गया, तो ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में ऐसी ही एक मतलब ऐसी एक घोषणा UP गवर्नमेंट में भी हुआ था। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश के CM का नाम होते हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश के CM का क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है, लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है, लालजी टंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। ठीक है, $1 बिलियन, तो इसका राइट आंसर है ट्विटर। ट्विटर के अभी जो CEO हैं जैक डार्सी, इन्होंने क्या किया है कि $1 बिलियन देने की घोषणा की है। और अभी तक की जितने भी ये ध्यान दिया गया है, जितने भी दिया गया है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, उसमें ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। $1 बिलियन लगभग मतलब 6,500 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो CEO हैं जैक डार्सी, ये सबसे ज़्यादा अभी के डेट में सबसे ज़्यादा यही कंट्रीब्यूशन, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर कितने % हुई है। ठीक है, तो अभी जो हमारी एक रिपोर्ट है, मतलब एक संस्था, मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके साथ भारत में बेरोजगारी की अगर बात किया जाए तो 23.4% है। और अभी ये कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी ये बेरोजगारी की दर और बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी सारे चीज़ लॉकडाउन में है, सब कुछ बंदी है, तो ये बेरोजगारी की दर और बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में अभी क्या किया गया है कि कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप के थ्रू जितने भी लोग हैं उनकी मतलब ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग कर लेगा। तो ये एक और भी एक पहला मॉनिटर, मतलब हमारे इंडिया में ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग करने वाला पहला ऐप कौन सा राज्य ने लॉन्च किया, तो ये इसका राइट आंसर भी यही होगा, तेलंगाना। ठीक है, तो अभी बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना का कैपिटल क्या, हैदराबाद।
तेलंगाना के सीएम का क्या नाम है, के चंद्रशेखर, ठीक है, के चंद्रशेखर, ठीक है। और वो तेलंगाना के अगर गवर्नर की बात किया जाए तो डॉक्टर तमिलसाई सुंदर राजन, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नए नए लाते रहेंगे। और अगर जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हों और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।